नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा BCE CEB के बारे में। तो ये क्या है, ये टोटली जॉब बिहार से आया हुआ है। बिहार का फूड एंड सप्लायर जो लिमिट मतलब जो संगठन है उसी में आपको जॉब मिलेगा। तो एक्चुअली आपको मैं बता दूँ तो बिहार स्टेट फूड सिविल सप्लायर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसमें आपको जॉब मिलेगा। तो जहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें जो जॉब ऑफर किया जा रहा है वो टोटली आपको देखेंगे तो 526 का जॉब। तो 526, तो इस जॉब के लिए अप्लाई करने का प्रोसीडर क्या है, इसका नोटिफिकेशन क्या है, सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलो देख लेते हैं आज के इस जॉब के बारे में। तो मैं पहले बता चुका हूँ बिहार से आपको जॉब रिकमेंड किया जा रहा है, मतलब बिहार में ही आपको जॉब मिलेगा। 526 वैकेंसीज है, जिनमें से असिस्टेंट मैनेजर के लिए 262 एंड असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए 20 एंड अकाउंट्स के लिए आपको 10 एंड यहाँ पे देखिए क्वालिटी कंट्रोलर के लिए 101 एंड लोअर डिवीजन क्लर्क इसके लिए 133 वैकेंसी सबको दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए एक फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट के बारे में बात करूँ तो जेनरल और OBC एंड SC ST ये तीनों के लिए आपको मतलब इस तीनों कैटेगरीज में अलग अलग एज लिमिट दिया गया है। जैसे जनरल के लिए 36 तक, OBC के लिए 40 तक एंड SC ST के लिए 42 तक आपको एज लिमिट दिया गया है। सिलेक्शन का जो प्रोसीड रहेगा वो टोटली मेरिट वाइज, मतलब मेरिट वाइज आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन का सैलरी का जो पैकेज रहेगा आप देखेंगे असिस्टेंट मैनेजर के लिए करीबन 7 लेवल, मतलब लेवल 7 का आपको सैलरी मिलेगा। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए भी 7 लेवल्स का और अकाउंट लेवल के लिए 4 लेवल का और क्वालिटी कंट्रोल के लिए 4 लेवल का, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 2nd लेवल का आपको सैलरी पैकेज मिलेगा। तो एप्लीकेशन का जो चार्जेस है, जनरल OBC EWS फीमेल के लिए आपको 1200 रुपीज़ देना पड़ेगा, SC ST फिजिकल हैंडीकैप के लिए 600 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपको यहाँ पे देखिए मास्टर डिग्री होना चाहिए और आप MBA कंप्लीट कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हैं तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए आपको BCOM पास आउट होना चाहिए, साथ ही साथ आपको 5 साल की एक्सपीरियंस भी होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट्स के लिए BCOM और चार्टर अकाउंट आप कंप्लीट कर चुके हैं तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। क्वालिटी कंट्रोल के लिए आपको BSc पास आउट होना चाहिए, BTEC कंप्लीट कर चुके हैं, BE कंप्लीट कर चुके हैं मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स के ऊपर कंप्लीट कर चुके हैं। तो साथ ही साथ फूड साइंस के ऊपर, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर भी आप पास आउट कर चुके हैं तभी भी आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे तो लोअर डिवीजन क्लर्क जिसके लिए आपको ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। अभी एक पॉइंट आपके साथ जरूर कहूँ, यहाँ पे देखिए 2 जनवरी 2023 उससे पहले आपको अप्लाई करना होगा। किस तरीके से अप्लाई करेंगे उसका डिटेल्स डेटा में आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। तो नोट अप्लाई ऑनलाइन एंड नोटिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो अप्लाई ऑनलाइन और नोटिफिकेशन दोनों अलग अलग लिंक है, जिस लिंक में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी लिंक में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले नोटिफिकेशन में क्लिक करना तो आपके सामने इस पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन के ध्यान से आप नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं, सारे नोटिफिकेशन आपके सामने डिटेल्स में देखने को मिलेगा। उसके बाद अप्लाई बटन में क्लिक करना तो इस पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर आपको रजिस्टर बटन दिखेगा जहाँ पे जाकर आपको अप्लाई करना होगा। तो रजिस्टर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 7 स्टेप दिया गया है। फर्स्ट स्टेप में आपको आपका प्रोफाइल मतलब आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका पिताजी का नाम, तो आपको फोन नंबर, ये सब डालना होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट में बेसिक इन्फॉर्मेशन मतलब आपका एड्रेस वगैरह, आप साथ ही साथ आपका बाकी जो डिटेल्स है मतलब आपका ईमेल एड्रेस, फोन नंबर वगैरह, ये सब जो चीज आपको मांगेंगे वो आपको भरना होगा। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आपका जो जो क्वालिफिकेशन है, जिस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं उसका जो क्वालिफिकेशन है वो भी आपको डालना होगा। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस, जो काम के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है उसके लिए आपको एक्सपीरियंस डालना होगा, एक्सपीरियंस डिटेल्स भी डालना होगा। उसके बाद आप फोटो एंड सिग्नेचर डालेंगे और उसके बाद प्रीव्यू करके देख लेंगे, उसके बाद पेमेंट करना होगा। तो ये 7 स्टेप आपको फिलअप करके फाइनली सबमिशन करना होगा। तो ये था जॉब का पूरा डिटेल्स। तो मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया एक जॉब लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।